हेडलाइन पे न्यूज में आपका स्वागत है। मैनपुरी के थाना क्षेत्र बेवर के नवीगंज में रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां रात के अंधेरे में चाचा ने अपनी ही सगी भतीजी को हवस का शिकार बना डाला। देखिए हमारे संवाददाता जहीर अहमद की रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला मैनपुरी थाना के बेवर क्षेत्र नबीगंज का है, जहां कलयुगी चाचा ने अपनी सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। घटना रात 11 बजे की है, जब लड़की घर में अकेली सो रही थी, तभी उसके चाचा शराब के नशे की हालत में वहां जाकर अपनी सगी भतीजी को हवस का शिकार बना डाला। जब सुबह लड़की की माँ अपने घर लौटी, तब पीड़िता ने पूरी जानकारी अपनी माँ को दी। माँ के द्वारा पूरी घटना की सूचना दिए जाने पर चौकी इंचार्ज राजकुमार गोस्वामी घटना की जायजा लेने के लिए घर पहुंचे। तब आरोपी तब तक फरार हो चुका था। पुलिस ने पूरे मामले में 376, 352, 506 IPC धारा के तहत मुकदमा कर कार्रवाई की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। पतिया नहीं है, नहीं रहते हैं बेचारे, काम धंधा पेट पालने के लिए। क्या बेटा, क्या है आपका क्या नाम? बोलना आपका क्या नाम? पापा क्या नाम है? सीएसपाल सिंह। कौन सा गांव है? हरजापुर। क्या बात हुई थी? कल मैं पढ़ी थी बैर पर, एक लड़की पढ़ी थी मेरे साथ। एक लड़की और कौन थी? पायल। छोटी सी है, बिल्कुल 7 साल की। चलो चलो, हाँ चलो, हाँ बताओ। पायल लड़की और मैं पड़ी थी, ये मैं सो नहीं पाई थी, इसलिए मैं बहन भाई गया ना जाए। मैं पूरी रात नहीं सोई, तभी आकर पूरे कपड़े उतारे, कहीं अपने कपड़े उतारने लगे। फिर हमने चिल्ला दिया, फिर चाची के पास गए, फिर चाची को बताया, उन्होंने कहा किसी उनकी मौसी लगती होंगी, तो उन्होंने कहा किसी को बताना मत, नहीं तो लपड़ा। सर, बेवर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ उसके ही चाचा द्वारा रेप का मामला सामने आया है, क्या है ये पूरी घटना? ये घटना हमारे बेवर थाना क्षेत्र की ग्राम हरजापुर की है, और जैसे ही इंस्पेक्टर बेवर को इसकी सूचना प्राप्त हुई, इंस्पेक्टर बेवर अपने चौकी इंचार्ज के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। घटना से मालूम हुआ कि एक लड़की जिसकी उम्र करीब 11 वर्ष है, उसके साथ उसके ही सगे चाचा ने ये घटना कारित की है। तुरंत चाचा को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, और पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार करके भेज दिया जाएगा जी। क्या सर, इसमें FIR दर्ज हुई है, किसके द्वारा कराई गई? हाँ, इसमें FIR तुरंत दर्ज की गई है, और इसकी FIR इसकी माँ के द्वारा दर्ज कराई गई।